श्री राधे राधे। भक्तों, जो मनुष्य बहुत उच्च अवस्था में होता है, अर्थात ज्ञान की ऊंचाई पर होता है, भक्ति और प्रेम की बहुत ऊंचाई पर होता है, वो अपनी पूजा के लिए ध्यान नहीं देता कि हमारी लोग पूजा करें। वो तो अपना मौका देखता है कि उसको कहीं अवसर मिले तो वो किसी महान पुरुष की पूजा कर ले, भले ही चाहे उम्र में वो छोटा हो जिसकी पूजा की जा रही है। सामान्य मनुष्यों के लिए छोटे उम्र की व्यक्ति की पूजा करना उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन कोई दैवी पुरुष हो तो छोटे उम्र के हों तब भी पूज्य होते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे, स्वामी कार्तिकेय जी ने देखा कि किशोरी जी समाधिस्थ हैं, तो उन्होंने कहा, कार्तिकेय जी ने, कि अभी उनको गहरे ध्यान में अर्थात समाधि में ही रहने दो आप लोग। यदि उनका जन्मदिन था किशोरी जी का, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि अभी इसी तरह समाधि उनको रहने दो। बात ये थी कि पहले तो उन्होंने गुरुदेव का पूजन किया, लेकिन इसके बाद जब उनके पूजन की तैयारी हुई तो महाराज प्रारंभ होते ही वो समाधिस्त हो गई थी। अब उनको शरीर का ध्यान ही नहीं था, तो ऐसा अवसर देख करके गुरुदेव भगवान ने किशोरी जी की पूजा की, प्रथम पूजा, और महाराज पुष्पांजलि समर्पण पूर्वक प्रणाम भी किया महाराज जी ने, शिष्य को नहीं, महान किशोरी श्री जी को। शिष्य तो वो थी, लेकिन शिष्य के भाव से प्रणाम नहीं किया था, और झटपट दूसरे कमरे में जा विराज जी, जिससे उनको ये पता न चले कि मैंने पूजन किनका किया है। और बड़े भाग्यशाली कुछ भक्त लोग थे, लता जी जैसे संत लोग, जिन्होंने महाराज जी की इस अद्भुत पूजा के भाव का दर्शन किया था। और ज्येष्ठ मास में एक दिन सायं समय जलशाही और वायु सेवनार्थ महाराज जी को टैक्सी द्वारा हरिभवन में जहाँ के रहते थे वहाँ से फिर वो नखी झील पर लाया गया। साथ में ज्ञानानंद जी महाराज, श्री मोहनलाल जी बजाज, किशोरी जी और श्री लता जी भी थे। उस समय नखी झील पर प्राय चारों ओर पर्यटकों की भीड़ रहती थी, अब भी होती होगी पर्यटकों की भीड़। तो अनेक सुसज्जित नौकाएं झील में इधर उधर दौड़ रही थीं, और उस झील को किसी समय देवताओं ने नख से खोदा था, इसलिए उसका नाम नखी झील पड़ा था। वायु बहुत सुंदर, शीतल और सुखद चल रही थी। थोड़ी देर महाराज जी को भी नौका विहार कराया गया। नौका से उतरकर कुछ देर वे उत्तरीय तट के समीप विराजमान रहे, और उसके बाद भगवान भास्कर को अस्ताचल की ओर विलीन होते देखकर श्री महाराज जी मोहनलाल जी को टैक्सी लाने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी, किंतु टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी कोई नहीं थी और न ड्राइवर। मोहनलाल जी घबरा कर तुरंत बस स्टैंड पहुंचे, वहां पूछताछ करने पर मैनेजर ने कहा, उस ड्राइवर को अकस्मात आबू रोड जाना पड़ गया है, और जिस टैक्सी चालक को वो अपनी ड्यूटी देकर गया था वह इस समय लापता है। अभी थोड़ी देर में आबू रोड से कोई न कोई टैक्सी आती होगी, उसी में महाराज जी की सेवा में तुरंत भेज दूंगा, आप आधा घंटा यहाँ ठहर जाइए।
इतने समय में आपको टैक्सी मिल जाएगी। कि मोहनलाल जी मैनेजर से अच्छा कहकर भागते हुए नखी झील की ओर दौड़े। इतने में महाराज जी मना करने पर भी वहाँ से ऊपर की ओर चल पड़े महाराज, और झील से कुछ ही ऊपर पहुँचने पर मोहनलाल जी पहुँच गए और चरणों में पड़कर सब समाचार निवेदन करके कहा कि 15-20 मिनट यहीं और रुक जाने की कृपा करें, अभी टैक्सी लाता हूँ। श्री किशोरी जी ने भी रुकने की बहुत प्रार्थना की। इनको महाराज जी तो रुकना स्वीकार करके पैदल ही बढ़ते रहे। और आपको पता है भक्तों, मैं सुना चुका हूँ कि महाराज जी का स्वास्थ्य अब श्राप के कारण बहुत ही बेकार हो गया था। उर्वशी का श्राप था, उच्च रक्तचाप की अवस्था थी, हाई ब्लड प्रेशर बहुत तेज बढ़ा हुआ था। महाराज जी फिर भी ऊंची नीची सड़क पर पैदल चल रहे थे, ये चिंता का विषय था कि शरीर कैसे चलेगा। सब लोग घबरा रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला। इतने में झंडी लगी हुई एक कार सामने खड़ी दिखाई थी, तो श्री मोहनलाल जी शीघ्रता से उधर बढ़े, किंतु इतने में वो कार चल करके हरिभवन की ओर बढ़ गई। मोहनलाल जी कार चालक अथवा कार मालिक से पेट्रोल का पैसा लेकर हरिभवन तक महाराज जी को पहुंचाने के लिए प्रार्थना करना चाहते थे, परंतु उसमें भी वे विफल रहे। भक्तों के संताप से द्रवित होकर महाराज जी ने उसी समय उस कार मालिक के हृदय में ये चिंता प्रकट कर दी कि पीछे जो महात्मा आ रहे हैं कौन है और कहाँ जा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं प्रतीत हो रहा है, साथ के लोग भी चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। उनके साथ एक आदमी हमारी कार की ओर तेजी से आ रहा था, अतः उन्होंने तुरंत कार को रुकवा करके चालक को सब बातों का पता लगाने के लिए पीछे दौड़ाया। इधर मोहनलाल जी की गाड़ी की रुकी हुई जब देखा उन्होंने मोहनलाल जी ने कि गाड़ी तो रुक गई है, तो प्रार्थना निवेदन करने के लिए आगे बढ़े और चालक को गाड़ी से उतारते हुए उन्होंने, वो जो चालक था ना वो अपने आप उतर रहा था तो उसको देख लिया, तो वे प्रार्थना जैसे ही उससे निवेदन करना चाहते थे उसने ही मालिक की जिज्ञासा निवेदित कर दी। तब मोहनलाल जी ने उससे टैक्सी चालक की भूल के साथ महाराज जी के स्वास्थ्य की चर्चा की, तो नितांत आवश्यक समझ करके वो कार द्वारा महाराज जी को हरिभवन पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। किंतु महाराज जी ने कहा गाड़ी मालिक की होती है चालक की नहीं, अतः वो बिना मालिक की प्रार्थना किए मैं कदापि इस कार से नहीं चलूँगा, तो नहीं तो ड्राइवर को डांट पड़ सकती है। तो महाराज जी का यह आशय जान करके चालक शीघ्रतापूर्वक कार के पास पहुंचकर अपने सरकार से सब वृत्तांत निवेदित किया। इतने में महाराज जी भी कार के साथ पहुंच गए, कार के बिल्कुल पास में, और कार मालिक ने सामने आकर के महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो कार में बैठ जाने की प्रार्थना की। भक्तों, महाराज जी ने पूछा आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, उचित समझने पर मैं कार में बैठूंगा। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा महाराज जी लोग मुझे अलवर सरकार कहते हैं, कृपा करके आप इस सेवक के कार में विराज जाइए। तो ड्राइवर आपको पहुंचा करके जब तक वापस नहीं आएगा तब तक मैं यहीं रहूंगा, स्वास्थ्य के अनुसार आपका पैदल चलना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो महाराज जी की प्रेरणा से ही मैंने आगे आई हुई गाड़ी रुकवाई, ऐसा लता जी ने कहा, और मेरे हृदय में आपकी उपस्थित सेवा करने की भावना जगी, ये उन्होंने कहा जिनकी गाड़ी थी। उन्होंने कहा अब आप महाराज जी इसमें विराजिए।
तो अलवर सरकार जो थे, जिनकी गाड़ी थी, उनकी प्रार्थना और अपने परिकर की हार्दिक चिंता पर विचार करके महाराज जी आगे की ओर कार में बैठ गए। तब बिना परिचय के ही अलवर नरेश ने किशोरी जी से कहा, माता जी आप भी कार में विराज जाइए। इस प्रकार सबको यथोचित बिठा करके, वो राजा थे महाराज अलवर के, तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर, महाराज जी को हार्ट एवं हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अतः गाड़ी धीरे धीरे सावधानी से चलाना, किसी भी कारण से धक्का न लगने पाए। इधर आने की शीघ्रता मत करना, जब आ गया हो तभी लौटना, तथा वहाँ का पता याद रखना, जिससे हमें भी वहाँ जाकर दर्शन करने की सुविधा बनी रहे। और भक्तों, अलवर सरकार का उदार संत सेवी स्वभाव, साधु दुर्लभ निरभिमानता एवं विनयशीलता को देखकर सबचकित रह गए। और महाराज जी की अघटित घटना पटी सी दयालुता की महाराज बार बार भावपूर्ण दृष्टि से दर्शन कर रहे थे। और महाराज ये सबने समझ लिया कि महाराज जी की ही इच्छा से वो राजा इस प्रकार से अपनी गाड़ी भेजा है। अलवर सरकार के आदेश के अनुसार चालक ने बहुत सावधानी के साथ उस समय गाड़ी चलाकर महाराज जी को हरिभवन पहुंचाया, तथा उनकी आज्ञा मिलने पर ही वो महाराज के पास वापस गया। फिर एक दिन श्री अलवर सरकार संध्या समय श्री महाराज जी का दर्शन करने के लिए हरिभवन पधारे, और महाराज जी सहज स्वभाव अनुसार उनसे ज्यों ही कुछ सत चर्चा करने के लिए उद्यत हुए तो हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, महाराज जी मैं जानता हूँ आपको जो बीमारी है उसमें बोलना बिल्कुल मना है, अतएव आप बोलने का कष्ट न करें, मुझे आपका दर्शन ही पर्याप्त है। आबू में अलवर सरकार की कोठी अंतिम ऊंचाई पर बनी है, अतः बहुत दूर से दिखाई देती है। और भक्तों, 7 जुलाई 1952 को गुरु पूर्णिमा होने के कारण पहाड़ी वृक्षों से बहुत ही सुंदर मंडप बनाया गया, जिनकी शाखाएं बड़े छत्राकार पुष्पों से सुशोभित थी। उसी मंडप में लगभग सायं समय श्री कार्तिकेय जी महाराज का सभी पूजन किया गया। इस वर्ष प्राय सभी भक्त गुरु पूजन सौभाग्य से वंचित रह गए, क्योंकि जहाँ महाराज जी अधिकतर पहले उपस्थित उस समय रहते थे, इस साल वहाँ नहीं थे। और उसका एक कारण ये भी था कि बरसात बहुत होती रही। तो 14 जुलाई 1952 को महाराज जी का प्रातः काल से लगभग 10 बजे तक बोलना अनिवार्य हो गया था, इसलिए 11 बजे उनका स्वास्थ्य चिंताजनक हो गया। ऐसा देख करके वे दिनांक 19 मार्च को ढूंढेश्वर पहाड़ के समान अपने आसपास की सब वस्तुएं हटवा करके कुशासन पर आसीन और समाधिस्थ हो गए। किशोरी जी को यह विदित हो गया कि महाराज जी अपनी नललीला संवरण करना चाहते हैं, इसलिए व्याकुलता वश वे निज धाम पधारने के लिए ज्यों ही उद्यत हुए। माता किशोरी जी भी शरीर छोड़ने को तैयार हो गए। महाराज जी ने कागज पेंसिल देने का संकेत किया। किशोरी जी ने तुरंत आसन से उठ करके कागज पेंसिल हाथ में दे दिए और महाराज जी अर्ध ध्यान मुद्रा में कुछ लिखने लगे। और उसके बाद महाराज जी बोलने लगे। किशोरी जी की तरफ दृष्टि उठा के बोले, श्री जी आप मुझे जाने से क्यों रोकती हैं? इस श्रापग्रस्त रोगाक्रांत शरीर को रखकर क्या करेंगे आप? मेरे वियोग शोक सागर में डूबते हुए भक्तों की कर्णधार तो आप ही हैं।
जब आप ही इस प्रकार से धैर्य खोद बैठेंगी तो फिर उन भक्तों की क्या दशा होगी जो मेरे जाने के बाद बहुत व्याकुल होंगे। उनके लिए तो आपको जीवित रहना बहुत आवश्यक है। किशोर जी ने कहा, भगवान गुप्त वास में आपकी लीला भक्तों के लिए विश्वास घातनी सिद्ध होने से अत्यंत दुखदायिनी बनेगी, अतएव सभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ एकांत वास में ऐसे शरीर त्याग दें। किशोरी माता ने कहा कि भगवान आप अभी निर्जन एकांत स्थान में कोई यहाँ है नहीं, ऐसे में आपका देह त्याग करना भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक हो जाएगा, इसलिए आप कुछ समय शरीर अपना थोड़े दिन और रख लीजिए, इस शरीर में थोड़ा विराजने की कृपा करिए। अब आप सोचिए महाराज जी की कैसी अद्भुत स्थिति थी कि किशोरी जी को परेशान देख करके उनकी प्रार्थना मानकर महाराज जी फिर सामान्य अवस्था में आ गए और फिर चिंता उनकी दूर हो गई। दो बार ऐसा हो चुका, दोनों बार माता जाने को तैयार हो जाती थी तो महाराज जी रुक जाते थे और भक्तों महाराज जी की बीमारी गुरु पूर्णिमा के पश्चात बढ़ जाने के कारण जो दो डॉक्टर रह रहे थे ना, डॉक्टर माइकल और पारसियन डॉक्टर, इन दोनों को मोहनलाल जी अहमदाबाद ले गए और साथ में जो एक भक्त थे तहसीलदार साहब कहे जाते थे और राम कृपाल जी महाराज भी थे, वहाँ महाराज जी के इन डॉक्टरों की राय से कई प्रकार के परीक्षण हुए और फिर डॉक्टर की अनुमति से महाराज जी टैक्सी द्वारा अहमदाबाद से वापस आबू पर्वत पर आ गए। अहमदाबाद के डॉक्टर सामंत शाह ने गुप्त रूप से मोहनलाल जी से बतलाया कि महाराज जी का हृदय नहीं के बराबर है, अतः किसी भी क्षण उस पर थोड़ा भी आघात पहुँचते ही जीवन समाप्त हो जाएगा, भीतर सब कुछ बेकार हो चुका है। योगाभ्यास तथा आत्मशक्ति के बल से महाराज जी शरीर को रखे हैं, नहीं तो शरीर अब रहने लायक बिल्कुल नहीं। और डॉक्टरी के हिसाब से हम कहेंगे तो महाराज जी का समय पूरा हो चुका है और महाराज जी को टैक्सी द्वारा अहमदाबाद से आबू ले आया गया। रात्रि में नींद न आने से बेचैनी अधिक बढ़ती देखकर किशोरी जी ने नींद की एक गोली भी दी। दूसरे दिन कीर्तन करने पर बहिर्वृत्ति हुई महाराज जी की, तब सभी को बहुत घबराहट हुई। मोहनलाल जी समाचार ले करके तुरंत उस ईसाई डॉक्टर के पास पहुंचे जो सेवा में लगा हुआ था। डॉक्टर साहब को यह ज्ञात हुआ कि नींद आने के लिए अमुक गोली दी गई थी तो बहुत नाराज हुए, बोले बिना मेरे से पूछे तुम लोग गोली कैसे दे दिए, वह नुकसान करती है, कमजोर हृदय के रोगी के लिए बिल्कुल नहीं दिया जाता है वो। और आपको आश्चर्य होगा भक्तों, जब डॉक्टरों के आने में कुछ मिनटों का समय शेष रहा तो महाराज जी स्वयं उठ बैठे और कुल्ला करके मुख आदि धोकर शयन वाले सब वस्त्रों को उतार कर धुले वस्त्रों को धारण कर लिए। तत्पश्चात वे कमरे की सभी अनावश्यक वस्तुओं को अपने पास से हटवाकर आसन लगाकर ज्यों ही विराजमान हुए तो डॉक्टर पानी बरसते समय अपनी कार द्वारा तुरंत महाराज जी के कमरे के द्वार पर आकर खड़े हो गए और वे कभी बिना आज्ञा पाए भीतर प्रवेश करते नहीं थे, न आवाज़ देते थे। इससे रोगी के हृदय पर किसी प्रकार को
घबराहट का असर न पड़े। तो डॉक्टर साहब के आने का पता सड़क पर से ही चल गया था, अतः द्वार पर आते ही कोठरी का दरवाज़ा खोल करके पर्दा हटा दिया गया। डॉक्टर साहब कोठरी के भीतर प्रवेश करके महाराज जी को प्रसन्न मुद्रा में देखकर बड़ा विस्मित हुए। मोहनलाल जी डॉक्टर साहब के पास खड़े थे, चुपके से उनसे सब बातें खोल दी और महाराज जी अभी कुछ ही मिनट पूर्व सावधान होकर के इस मुद्रा में दर्शन देने के लिए बैठे हैं। ये सुनकर के डॉक्टर जो था वो महाराज से बोला, महाराज आप लोगों की लीला को तो आप ही समझ सकते हैं, हमारी बुद्धि के बाहर है। क्योंकि अभी मैंने आपको किस अवस्था में सुना था और आकर के क्या देख रहा हूँ अब आपको। डॉक्टर ने कहा कि वर्षा प्रारंभ हो गई है, अब यहाँ की जलवायु आपके अनुकूल नहीं रहेगी, इसलिए आप शीघ्र माउंट आबू छोड़कर नीचे पधारिए। डॉक्टर साहब के जाने के बाद वस्त्र बदलवा कर किशोरी जी ने पथ्य लेने के लिए महाराज जी से प्रार्थना की। उसमें महाराज जी ने अपनी कापी जो एक रखते थे उसको खोजी, उसमें से राम कवच का पाठ करते थे, खोजने पर ज्ञात हुआ कि वह अहमदाबाद में छूट गई। ये जानकर महाराज जी ने कहा, बिना पाठ किए मैं पथ्य नहीं लूँगा। तब ऐसा कोई उपाय भी संभव नहीं था कि वो काफ़ी दो चार घंटे में अहमदाबाद से आ सके, इससे महाराज जी अपना पाठ पूरा करके पथ्य सेवन करें। ये तो बिना नियम के पथ्य ग्रहण ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपने हट पर डिगे नहीं अड्डिक बने रहे। तो महाराज जी को बिना पवाए किशोरी जी कैसे प्रसाद पाए। और किशोरी जी और महाराज जी के पवाए बिना सेवक लोग कैसे पाए, ऐसी विकट समस्या उपस्थित हो गई। तो महाराज अपने स्वरूप का आवेश समझ करके किशोरी जी ने कहा, आपको नियम में बाधा किसने महाराज। उन्होंने कहा, गुरुदेव से, गुरुदेव भगवान आपको किसने नियम में बांधा है। महाराज जी ने कहा, आपने। ये सुनकर के किशोरी जी बोली, तब आप मेरी प्रार्थना से पथ्य क्यों नहीं ले रहे हैं, जब मैंने ही नियम में बांधा है तो फिर मेरी तो प्रार्थना है कि आप पथ्य लें। महाराज जी ने कहा, श्री जी मैं तो आपकी आज्ञा के बंधन में हूँ, प्रार्थना की नहीं, इसलिए आप प्रार्थना न कह करके कहें कि हमारी आज्ञा है तो बिना नियम किए पा लीजिए तो मैं पालूंगा, आपको आदेश देना पड़ेगा, प्रार्थना नहीं। किशोरी जी ने कहा, हाँ हाँ हमारी आज्ञा है, बिना नियम के पथ्य ले लीजिए आप। ये सुनकर के महाराज जी ने सहर्ष प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो लोगों को समझ में आया कि महाराज जी किशोरी जी के प्रति कितना ऊंचा भाव रखते हैं, किनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा पालन इनका इतना ऊंचा है कि सारा नियम महाराज जी का उसके सम्मुख कुछ भी नहीं है। भक्तों, श्री दीनदयाल जी को कोटा से बुलाकर महाराज जी आबू से विदा होकर अहमदाबाद बड़ौदा होते हुए अमर निवास में पहुंच गए और किशोरी जी की आज्ञा बस सीधे गंगापुर पधारी। किशोरी जी को आज्ञा मिल गई थी, गंगापुर चली गई। उन दिनों बरसात के कारण जल की धारा चट्टानों से घरघराती हुई तीव्र गति से चंबल गंगा में गिरती थी, उससे अनेक जगह प्राकृतिक जलप्रपात बन गए थे। भूल भुलैया भवन के पूर्वी पार्श्व में जाती हुई जलधारा नदी में बड़ी आवाज करती हुई गिर रही थी और प्रभातों में जो प्रपात जो होते हैं ना झरने, उनमें बुलबुले दिख रहे थे।
और विश्व कल्याण की प्रार्थना नित्य नियम अनुसार संध्या समय होती थी। कभी दूसरी मंजिल के हाल में तो कभी छत पर। कोटा वापस पधारने पर महाराज जी की चिकित्सा एक बड़े डॉक्टर जो सुप्रसिद्ध थे वो करने लगे। अब महाराज जी को तो ये चिकित्सा नहीं करानी थी, लेकिन भक्तों का भाव रखने के लिए वो हाँ कर लेते थे। महाराज जी को पता था कि इलाज से तो कुछ होना जाना है नहीं, फिर भी वो भक्तों की प्रार्थना सुनकर हाँ बोल देते थे। और डॉक्टर लोग चकित थे कि एक महीना से महाराज जी ने कोई अन्न नहीं खाया, रस और दूध केवल लेते थे, उससे भी अरुचि हो गई, इसलिए कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई। इतना होने पर, मना करने पर भी आगंतुक जनता के सुख के लिए बोलने का श्रम किए बिना मानते नहीं थे। संत का जीवन परमार्थ के लिए होता है, इसलिए अपने शरीर को भी नहीं देखते थे कि शरीर मेरा अब इस लायक नहीं है। महाराज जी की चर्चा आपको फिर सुनाऊंगा, आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे जी, श्री राधे।